गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेफ्रोन इंग्लिश मीडियम स्कूल। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग माय बॉडी। यहाँ पे हम अपनी बॉडी को अच्छे से समझेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। मीरा इज लुकिंग एट हरसेल्फ। मीरा क्या कर रही थी? अपने आप को देख रही थी। इज देयर समवन एल्स जस्ट लाइक हर? उसने सोचा मेरे जैसा कोई और होगा? नो वन एल्स इज लाइक मीरा, कोई मीरा के जैसा नहीं होगा। सी इज स्पेशल, वो स्पेशल है। यू आर स्पेशल टू, हम भी हमारी तरह से स्पेशल है। क्यों? क्योंकि हमारे जैसा और कोई नहीं है। नो वन एल्स इज लाइक यू, हमारे जैसा और कोई दिखता नहीं है। यू हैव अ वंडरफुल बॉडी दैट कैन डू अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क। हमारी जो बॉडी है वो वंडरफुल है। क्यों? क्योंकि हम हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से डिफरेंट डिफरेंट वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है, एक छोटा सा बच्चा है, वो क्या कहता है? आई कैन स्कीप, मैं स्कीपिंग कर सकता हूँ। आई कैन जंप द वॉल, मैं वॉल पे जंप भी कर सकता हूँ। आई कैन फीड अ पप, पप जो है डॉग का बेबी, उसको मैं खाना भी खिला सकता हूँ। आई कैन राइड अ बाइक, मैं बाइक भी राइड कर सकता हूँ। आई कैन ड्रेस माई डॉल, मैं डॉल को ड्रेस भी करवा सकती हूँ। आई कैन मेक अ ग्रीटिंग कार्ड, मैं ग्रीटिंग कार्ड भी बना सकता हूँ। ये सब किसकी हेल्प से करते हैं? बॉडी की। लुक अराउंड एट योर क्लासमेट वंस मोर, ऑल ऑफ देम हैव अ बॉडी लाइक योर्स। लुक अराउंड एट योर क्लासमेट, यानी कि अपने आसपास अपने क्लासमेट को देखो। ऑल ऑफ देम, वो जो है उनकी जो बॉडी है वो हमारी जैसी ही होती है। एवरी वन हैज़ वन हेड, जो सब होते हैं उसके पास भी एक ही हेड होता है। टू आर्म्स, सबके पास टू आर्म्स होते हैं एंड टू लेग्स होते हैं। हम सब, हमारा जो होता है बॉडी वो सबका वैसा ही होता है। माई बॉडी फ्रॉम आउटसाइड, योर बॉडी इज़ लाइक अ मशीन, हमारी जो बॉडी होती है मशीन की तरह होती है। व्हेन यू लुक एट योरसेल्फ इन द मिरर, जब हम अपने आप को मिरर में देखते हैं, यू सी मैनी पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, हम हमारे बॉडी के बहुत पार्ट देख सकते हैं। द बॉडी पार्ट्स दैट यू कैन सी आर कॉल्ड द एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स, जिस बॉडी पार्ट्स को हम देख सकते हैं इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? राइट द नेम्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स यू कैन सी। आपको अपने बॉडी को मिरर में देखना है, अपने आप को मिरर में देखना है और देखना है कि आप अपने कौन से बॉडी पार्ट्स को देख सकते हो, तो सबके नेम यहाँ पे आपको लिखने हैं। ओके, पेस्ट योर फोटो हियर है, वहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो लगानी है और फ़ोटो के अकॉर्डिंग आपको एरो से सब जो भी मैंने यहाँ पे बॉडी पार्ट्स लिखा है उसको मैच करना है। ओके, अब हम पढ़ेंगे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स। जो हमारे इंटरनल पार्ट्स होते हैं ना, इसको हम कहेंगे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स। इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को हम देख नहीं सकते, वो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। देर आर मैनी बॉडी पार्ट्स दैट वी कैन नॉट सी, ऐसे बहुत बॉडी पार्ट्स होते हैं जिसको हम देख नहीं सकते। बिकॉज दे आर हिडन इनसाइड अवर बॉडी, हम उसे देख क्यों नहीं सकते? क्योंकि वो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। द बॉडी पार्ट्स दैट वी कैन नॉट सी आर कॉल्ड द इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स, जिस बॉडी पार्ट्स को हम देख नहीं सकते उसको हम कहेंगे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स। इंटरनल बॉडी ऑर्गन कौन कौन से हैं? ब्रेन, हार्ट, लंग्स और स्टमक, ये सब हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं। अब हम देखेंगे सब ऑर्गन्स क्या करते हैं। फर्स्ट हम लेंगे ब्रेन। जो हमारा ब्रेन होता है वो हमारे हेड के अंदर होता है। द ब्रेन इज हिडन इनसाइड अवर हेड, द ब्रेन कंट्रोल्स अवर बॉडी एंड इट्स फंक्शन। जो ब्रेन होता है वो हमारी ऑल ओवर बॉडी को कंट्रोल करता है। इट हेल्प्स अस टू थिंक, हम जो सोचते हैं वो हम किसकी हेल्प से करते हैं? ब्रेन से। इट लुक्स लाइक अ वॉलनट, ब्रेन कैसा दिखता है? वॉलनट के जैसा। अब है हार्ट, हार्ट की पिक्चर आपको दिखाई दे रही है। प्लेस योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट, आपको क्या करना है? आपकी चेस्ट के लेफ्ट साइड पे आपका हाथ रखना है। द हार्ट लाइज हियर, द हार्ट पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जब आप हाथ रखोगे ना उस पर तो आपको हार्ट बीट सुनाई देगी। द हार्ट क्या करता है? जो हमारे ब्लड होता है उसको बॉडी में
सब पार्ट्स में पहुंचा देता है, यानी कि वो ब्लड को पंप करके सब पार्ट्स में उसके डिवाइड कर देता है। अब हम देखते हैं लंग्स। यहाँ पे लंग्स की पिक्चर दी हुई है। लंग्स एक नहीं होता, लंग्स पैर में होते हैं, मतलब टू होते हैं। क्रॉस योर हैंड्स एंड पुट योर पाम्स ऑन योर चेस्ट। योर लंग्स लोकेटेड इनसाइड द चेस्ट हेल्प यू टू ब्रीथ। जो लंग्स होते हैं वो चेस्ट के अंदर होते हैं, वो क्या करते हैं, हमें ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं। दे आर लाइक स्मॉल बलून्स। वो कैसे दिखते हैं, स्मॉल बलून्स की तरह। वैन यू ब्रीथ इन दे गेट फिल्ड विथ एयर। जब हम सांस लेते हैं तो ये जो लंग्स है वो एयर से फिल, यानी कि भर जाते हैं। अब हम देखेंगे स्टमक। स्टमक में क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो खाना कहाँ पे जाता है, स्टमक में। पुट योर हैंड अबव योर बेल्ट। योर स्टमक इज सिचुएटेड हियर। जहाँ पे आप बेल्ट पहनते हो उसके ऊपर स्टमक सिचुएटेड है, यानी कि वहाँ पे होता है। इट इज़ लाइक अ बैग। स्टमक कैसा दिखता है, बैग की तरह। द स्टमक डाइजेस्ट द फूड दैट यू ईट एवरी डे। हम जो भी खाना खाते हैं उसका डाइजेशन स्टमक में होता है। ओके, बोन्स एंड मसल्स। अब हम देखेंगे बोन्स एंड मसल्स। बोन्स आर वेरी हार्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। जो बोन्स होते हैं वो भी हमारे पार्ट ऑफ द बॉडी है। योर बॉडी इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स। हमारी जो बॉडी है वो बहुत सारे बोन्स से बनी हुई है। दिस बोन्स फॉर्म अ फ्रेमवर्क कॉल्ड अ स्केलेटन। जो बोन्स का पूरा फ्रेमवर्क है उसको हम स्केलेटन कहेंगे। ओके, यहाँ पे आपको इंडिविजुअल पिक दिया हुआ है बोन का और स्केलेटन का। ओके, द स्केलेटन इज अ कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ अ फ्लैश कॉल्ड अ मसल। जो हमारा स्केलेटन होता है वो जिससे कवर होता है उसको हम कहेंगे मसल्स। बोन्स एंड मसल्स हेल्प अस टू स्टैंड सीट मूव एंड डू वर्क। जो बोन्स और मसल्स होते हैं वो हमें किस में हेल्प करते हैं, स्टैंड यानी कि खड़े होने में, सीट यानी कि बैठने में, मूव यानी कि कुछ भी हमें मूवमेंट करनी हो उसमें या कुछ वर्क करने के लिए। यू कैन नॉट सी द मसल और द बोन्स बिकॉज दे आर अंडर द स्किन। हम अपने मसल्स और बोन्स को देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि वो हमारी स्किन के अंदर रहता है। अब हम देखेंगे द फाइव सेंसेस। हमारी फाइव सेंसेस कौन सी है, वी ऑल हैव फाइव सेंस ऑर्गन्स। हम सबके पास फाइव सेंस ऑर्गन्स है। कौन से, आइज टू सी, आइज है देखने के लिए, ईयर्स टू हियर, ईयर्स है सुनने के लिए, नोज टू ब्रीथ, ब्रीथ के लिए नोज, एंड स्मेल, टंग टू टेस्ट, टंग किसके लिए है, टेस्ट के लिए, एंड स्किन टू फील। स्किन किसके लिए हम यूज़ करते हैं, फील करने के लिए, बाय टच। यहाँ से आपको एक बॉय का पिक्चर दिया हुआ है, उसमें सारे फाइव सेंस ऑर्गन्स जो है उसका पिक्चर है वो, और क्या करते हैं वो है, आइज टू सी, नोज टू स्मेल, टंग टू टेस्ट, एंड ईयर्स टू हियर, एंड स्किन टू टच। जो जो सेंसेस, फर्स्ट है जो है वो उठता नहीं है, इसलिए उसकी मॉम उसे कैसे उठाती है वो हम देखते हैं। फर्स्ट पिक्चर देखो आप, उसमें क्या है, जोजो इज नॉट गेटिंग अप। जोजो है वो उठ नहीं रहा है। सी हाउ हिज मदर वेक्स हिम अप। देखो उसकी मम्मा उसे कैसे उठा रही है। अब देखो सेकंड पिक्चर। सी जेंटली ओपन्स जोजोज क्लोज्ड आइज, ही शाउट्स देम। वो क्या करती है, उसकी मम्मा उसकी आँखें उसको ओपन करती है। फिर ऐसा करती है ना तो जोजो उस पर चिल्लाता है। अब देखो थर्ड पिक्चर में क्या होता है, सी प्लेस द टॉय ड्रम नियर हिज ईयर्स। फिर उसकी मम्मा क्या करती है, उसके ईयर्स के सामने टॉय ड्रम रख देती है। टॉय ड्रम क्या करता है, ड्रम को बजाता है, इसलिए उसके नॉइज से वो उठ जाए, इसलिए वो ऐसा करती है। फिर फोर्थ वाले पिक्चर में क्या होता है, जो जोजो है वो पिलो से अपने मुँह को ढक देता है। ही हाइड्स हिज हेड अंडर द पिलो। अब फिफ्थ पिक्चर देखो, उसमें क्या होता है, शी स्प्रेज परफ्यूम
नियर हिम एंड ही स्मेल्स इट विथ हिज नोज। उसकी मम्मा उसके नोज के आमने सामने परफ्यूम डालती है क्योंकि उसे स्मेल आए। सिक्स में देखो, ही स्नीज, क्या होता है, उसको स्नीज करता है यानी कि वो छींक खाता है। सेवन्थ नंबर की पिक्चर में देखो, सी टिकल्स ही स्किन, ही गीगल्स, वो क्या करती है, टिकल्स, टिकल्स यानी कि वो गुदगुदी करती है जोजो को, वो क्या करने लगता है, गीगल्स यानी कि हंसने लगता है। फिर फाइनली ये सब करने के बाद जोजो हैज़ गॉट अप, जो जोजो है वो उठ जाता है।